हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रैवल हिमाचल। तो अभी इस टाइम हूँ मैं धर्मशाला के ऊपर, एक मंदिर है माता का, कुणाल पथरी नाम है, बहुत ही ब्यूटीफुल टेंपल है, वहीं हम जा रहे हैं। और रास्ते में पड़ते हैं टी गार्डन्स, जहाँ पे मैं इस टाइम खड़ी हूँ। पीछे आप व्यू देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल धौलाधार रेंज का व्यू है यहाँ से। तो अगर आप इस साइड आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर स्टे कीजिएगा, कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ की लोकेशन है। और पीछे आप व्यू देख ही सकते हैं, ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि कितना खूबसूरत यहाँ से जो है व्यू है धौलाधार रेंज का। और ये जो चाय के बगीचे हैं, ये भी बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर दिखते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे माता कुणाल पथरी, माता के दर्शन आपको करवाएंगे, और उसके बाद हम आगे निकल जाएंगे, तो उसकी वीडियो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो करते हैं आज का हमारा सफ़र शुरू। तो धर्मशाला से जब हम कुणाल पथरी माता के लिए आते हैं, लगभग 3 किलोमीटर का ये रास्ता है, और रास्ते में आपको देखने को मिलेंगे खूबसूरत से चाय के बागान या टी गार्डन्स। तो कुछ इस तरह के टी गार्डन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और कांगड़ा चाय जो है, इसको GI टैग मिल चुका है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है कांगड़ा चाय की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो इस हिसाब से ये जो गार्डन है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि पहले इतनी देख रेख नहीं थी यहाँ पर, ऐसा कहा जाता है कि जब भूकंप आया था 1905 में, तो टी गार्डन्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और उसी के बाद जो है असम की चाय जो है वो उसको बढ़ावा मिला था, और कांगड़ा की चाय थोड़ी सी डाउन आ गई थी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ऊपर व्यू है धौलाधार रेंज या शिवालिक रेंज जिसको बोला जाता है, बहुत ही खूबसूरत है। और रास्ते में जो टी गार्डन्स आते हैं, यहाँ पर एक शॉप भी है जहाँ से आप कांगड़ा चाय खरीद भी सकते हैं, और यहाँ पर आप चाय या नाश्ता भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप रुक सकते हैं जब माता कुणाल पथरी के यहाँ आप जाते हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है माता कुणाल पथरी का मंदिर, जिसका गेट है यहाँ से। तो यहाँ से जब नीचे जाएंगे तो माता का मंदिर आएगा। मान्यता है कि माता को कपालेश्वरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इस मंदिर के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं। तो इस मंदिर के बारे में मेनली जो कहा जाता है कि जब माता सती हवन कुंड में जब उन्होंने छलांग लगा दी थी, भगवान शिव का अपमान जब उनके पिता ने किया था, तो उसके बाद माता का जो कपाल है वो इस जगह पर गिरा था। तो ऐसी मान्यता लोगों द्वारा कही जाती है कि ये 51 शक्ति पीठ जो है उन शक्ति पीठों में से ही एक शक्ति पीठ है। हालांकि मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करूंगी। और अभी चलेंगे, यहाँ से सीधा है मंदिर के लिए रास्ता, सामने ही आपको मंदिर दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है। और यहाँ पर माता का जो है मुख है एक पत्थर के नीचे, और उस पत्थर की शेप जो है एक्चुअल में कटोरी की तरह है, और उसमें पानी हमेशा भरा रहता है। और ऐसा कहा जाता है, यहाँ के पुजारी ने ऐसा कहा है कि जैसे ही उस पत्थर का पानी कम हो जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि बारिश होने वाली होती है, यानी कि इंडिकेशन होती है, और खुद ही उस पत्थर में पानी बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है। तो एक चमत्कार से कम नहीं है ये चीज़। और यहाँ से भी आप शिवालिक रेंज को अगर देखें तो बहुत ही खूबसूरत शिवालिक रेंज आपको देखने को यहाँ से भी मिलेगी। हालांकि जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ उतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी जितनी ठंड ऊना में इस टाइम है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि वहाँ पर कोहरा पड़ता है, धुंध पड़ती है, धूप नहीं निकलती है कई कई दिन। और यहाँ पर मौसम ऐसा है कि अगर बारिश होगी या बादल होंगे तभी जो है वो सूरज देवता नहीं निकलेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है इसमें धूप आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आपको रेंज दिखेगी धौलाधार रेंज, और खूबसूरत व्यू है यहाँ से भी नीचे का। यहाँ पे आपको चील के पेड़ देखने को मिलेंगे, जबकि मैक्लोडगंज अगर आप जाओ तो वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं देवदार के पेड़। तो सामने आप व्यू देख रहे हैं, कितना खूबसूरत यहाँ से व्यू है। और मंदिर के पीछे शॉप्स भी हैं जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पीछे ये सामने है, ये दुकान है जहाँ से आप मंदिर में जाने के लिए प्रसाद खरीद सकते हैं। और ये है सामने मंदिर, जो काफ़ी खूबसूरत है। अगर मंदिर का फ्रंट भी आप देखें तो काफ़ी खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है। हालांकि मैं यहाँ पर एक फ़ोटो डालने की कोशिश करूँगी, ताकि मंदिर के अंदर किस तरह की मूर्ति है और कैसे वो पत्थर है कुणाल की शेप में वो पत्थर बना हुआ है, इसी लिए इस माता को कुणाल पथरी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि कपालेश्वरी माता के नाम से जो है ये माता प्रसिद्ध है।
और कहा तो ये भी जाता है कि इस मंदिर में पथरी और कैंसर जैसे भयानक जो रोग हैं उनका निवारण भी किया जाता है। तो ये माता का मंदिर है और यहाँ सामने ही है जहाँ पर माता की मूर्ति जो है वो स्थापित की गई है। नेक्स्ट एक फ़ोटो में मैं आपको मंदिर का अंदर का व्यू दिखाऊंगी, जिसमें एक पत्थर आपको दिखेगा जिसमें पानी होगा जो कम और ज़्यादा खुद ही होता रहता है। और ऐसा कहा जाता है कि माता के दर्शन मात्र से लोगों के जो हैं बहुत सारे कष्ट कट जाते हैं, बहुत सारे जो चिंताएँ हैं लोगों की या कोई परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं। तो ये है माता कुणाल पथरी मंदिर। तो अभी कुणाल पथरी माता के दर्शन करने के बाद हम आ रहे हैं वापिस, और बीच में ही आपको पहले भी बताया था मैंने, चाय के बगीचे पड़ेंगे और वहाँ से जो पीछे का व्यू है वो बड़ा ब्यूटीफुल है, तो यहाँ भी ज़रूर आइएगा। और साथ में क्योंकि माता के मंदिर में अंदर जो है वीडियो बनाना मना है, तो अंदर की वीडियो मैं नहीं डाल पाई हूँ, तो कोशिश की है मैंने कि एक फ़ोटो बीच में मैं एडिट कर सकूँ कि किस तरह से अंदर माता की जो है वो मूर्ति है, एक पत्थर की शिला है उसके नीचे ये मूर्ति है। और ऐसा कहा जाता है कि ये माता यहाँ स्वयं प्रकट हुई थी कुणाल पथरी, इसलिए यहाँ का नाम रखा गया है। तो यहाँ आप ज़रूर आइएगा जब भी धर्मशाला आप घूमने आते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू है धौलाधार रेंज का। और मेरे पीछे आप देख भी पा रहे हैं, ये पीछे है टी गार्डन जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और इस मौसम में तो और भी खूबसूरत हो जाते हैं क्योंकि पहाड़ों पर ये जो बर्फ़ गिरी होती है इसके साथ ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नए सफ़र के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।